क्वेश्चन पहला लिखो, दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक कौन है? उत्तर लिखो, श्रीनिवास। क्वेश्चन अगला लिखो, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? उत्तर लिखो, मास्ती वेंकटेश अयंगर। क्वेश्चन अगला, श्रीनिवास का जन्म कहां हुआ? उत्तर लिखो, 6 जून 1891 कोलार कर्नाटका में। कोलार कर्नाटका में। प्रश्न अगला लिखो, दही वाली मगम्मा का हिंदी में अनुवाद कौन किया? उत्तर लिखो, बी आर नारायण। प्रश्न अगला लिखो, दही वाली मगम्मा का कथाकार कौन है? उत्तर होगा, लेखक की मां। प्रश्न अगला, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था।
उत्तर लिखो, मगम्मा का अपनी बहू के साथ उसे अपने नाती को लेकर अपने नाती को लेकर विवाद था। जब उसकी बहू उसे डांट रही थी, तो मगम्मा ने उसे ऐसा करने से रोका। इस बात पर दोनों झगड़ गए। जो दोनों के बीच विवाद का कारण था, प्रश्न अगला, रंगपा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? उत्तर लिखो, रंगपा गांव का तसेड़ी जुएड़ी एक मनचला था। वह मगम्मा को फुसला बहलाकर कुछ पैसे ऐंठना चाहता था। प्रश्न अगला, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका
कौन सा तरीका अपनाया उत्तर लिखो बहू ने सास को मनाने के लिए बहू ने सास को मनाने के लिए तरीका यह निकाला जब उसे पता चला कि उसकी सास को रंगपा बहला फुसलाकर कुछ पैसा लेना चाहता है तब उसने अपने बेटे को अपने सास के पास रहने के लिए भेज दिया। और उसका खाना स्वयं बनाने लगी। स्वयं बनाने लगी। क्वेश्चन अगला, इस कहानी का कथावाचक कौन है? इस कहानी का कथावाचक कौन है? हो गया? तब उत्तर लिख दे, इस कहानी का कथावाचक लिखो। हम तो बोलिए दिलवे ने। इस कहानी का कथावाचक लेखक की मां। इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन लिखो, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर लिखो, मगम्मा एक चरित्रवान और साहसी औरत है।
साहसी औरत है, तभी तो भरी जवानी में उसका पति जा चुका था मैंने मर गिरे जा चुका था फिर भी वह घबराई नहीं अपने बच्चे को पोष पाल कर बड़ा कर दिया शादी विवाह कर दिया जीवन में फिर एक समय आया जहां उसके बेटे और बहू ने उसे अकेला छोड़ दिया। उस अधेड़ अवस्था में लिखा ओकर चरित्र लिखा तारा उस अधेड़ अवस्था में लिखा ऐसे चरित्र मगम्मा के थे। अगेन जब रामचरित्र मानस तुलसीदास ने इतना बड़ा काव्य लिख दिया राम के चरित्र के बारे में बकलोलवन के। इधर देखो जब राम के चरित्र को तुलसीदास ने महाकाव्य बना दिया, हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ बना दिया राम के चरित्र लिख के, तो तू मगम्मा का 10 लाइन नहीं लिखेगा? तब कहे आऊ गा रहा है।